आखिरकार ब्राउन पेकर बन गए हैं एनएक्सटी चैंपियन एनएक्सटी न्यू ईयर्स इवल पे। और देखते हैं कि इस वाले मैच में हुआ क्या। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने टैप आउट करवाया चैंपा को, तो इस लिमिट तक कैसे पहुंच गए ब्राउन पेकर, टैप आउट जो करवा दिया चैंपा को। तो आइए देखते हैं विस्तार में पूरे मैच में हुआ क्या। तो मैच की शुरुआत होती है, पूरा बैक एंड फोर्थ एक्शन चलता है, ऐसा लगता है कि कोई भी सुपरस्टार हार मानने को तैयार नहीं है। और स्टैंडिंग सुप्लेक्स भी दे देते हैं ब्राउन ब्रेकर, और उसके बाद जंप करके दिखाते हैं खड़े होके, वो बहुत ज़बरदस्त। और इस वाले मैच में ब्राउन ब्रेकर ने ये दिखाया कि उनमें स्ट्रेंथ तो है ही, पर उनमें एथलेटिज्म भी पूरा है। मतलब कूदते फांदते भी बढ़िया तरीके से है, ऐसी बात नहीं कि वो सिर्फ स्ट्रेंथ 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 है। बाकी ब्राउन ब्रेकर ने तमाशु चंपा के सारे, लगभग सारे के सारे मूव सेट एक्सपोज करे गए कि मैं सारे के सारे झेल सकता हूँ। तमाशु चंपा के नीज दी तमाशु चंपा ने, तमाशु चंपा ने ऊपर से ड्रॉप के ऊपर से भी कूदे तमाशु चंपा, जो कि बहुत ज़बरदस्त लगा था। एक टाइम को इस टाइम जब ये गिरे थे और नी दी थी, जब लग रहा था शायद ये वी ट्रिगर के बाद अब शायद ब्राउन ब्रेकर नहीं उठ पाएंगे, बट उसके बाद भी ब्राउन ब्रेकर ने वापसी करी। जब स्लीपर लॉक में लिया और स्लीपर लॉक तोड़ा ब्राउन ब्रेकर ने, उसके बाद ब्राउन ब्रेकर ने कंट्रोल लिया इस वाले मैच का, मोमेंटम आया ब्राउन ब्रेकर के हक में। बट उसके बाद फिर तमाशु चंपा ने अपना एक्सपीरियंस दिखाते हुए वापसी करी इस वाले मैच में, जब वो टॉप रोप पे गए थे और फिर से टॉप रोप पे जाते ही ब्राउन ब्रेकर फंस गए। तो ये स्टोरी चल रही थी कि टॉप रोप पे अगर ब्राउन ब्रेकर जाएंगे तो वो फंस जाएंगे। उसके बाद उनके शोल्डर में थोड़ा सा लग गया था जब ऊपर से गिरा था ब्राउन ब्रेकर को। उसके बाद ब्राउन ब्रेकर वापसी आते हैं, स्पाइन बस्टर देते हैं, स्टैंडिंग मून सॉल्ट देते हैं। कैन यू बिलीव एक 250 पाउंड्स का बंदा स्टैंडिंग मून सॉल्ट दे रहा है, मतलब कमाल। उसके बाद तमाशु चंपा वी ट्रिगर की बारिश कर देते हैं और फिर लगता है कि शायद ये मैच खत्म होगा, बट उसके बाद भी किक आउट कर जाते हैं ब्राउन ब्रेकर। हार मानने को तैयार नहीं थे आज। ब्राउन ब्रेकर ने बोल दिया था कि आज या तो मैं चैंपियनशिप के साथ जाऊँगा या मैं जाऊँगा ही नहीं यहाँ से। तो ब्राउन ब्रेकर हार मानने को तैयार नहीं थे। फ्रैंकेनस्टाइनर भी दिया था ब्राउन ब्रेकर ने तमाशु चंपा को, और बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे ऑफेंस इनके। और फिर अपना वही पावर स्लैम दिया था, उसके बाद भी किक आउट कर दिया था वो, इधर काउंटर कर रहा था तमाशु चंपा ने, और उसके बाद डीडीटी दी थी तमाशु चंपा ने। उसके बाद लॉक दिया था क्योंकि उनके नी पे लगी हुई थी। उसके बाद तमाशु चंपा ख़त्म करने के लिए जा रहे थे मैच, पर उसी समय अलबामा स्लैम देके उन्हें टेबल के ऊपर गिर दिया था ब्राउन ब्रेकर ने, जो कि बहुत ज़बरदस्त स्पॉट लगा था। और उसके बाद फिर अपना स्लैम, फिर उसके बाद तमाशु चंपा ने बेयरली रोप्स टच करी थी, उस वजह से वो बच गए, नहीं तो मैच उधर ख़त्म हो सकता था। उसके बाद तमाशु चंपा फिर से मैच में वापसी आते हैं। तमाशु चंपा जब तीन वी ट्रिगर देते हैं इनको इकट्ठे, नी स्ट्राइक्स जो भी कह लो, और उसके बाद फेरी टेल एंडिंग, इधर लगता है मैच ख़त्म हो जाएगा और क्योंकि टाइम भी पूरा हो गया था एनएक्सटी का। बट तमाशु चंपा उधर ब्राउन ब्रेकर वहाँ से वापसी करते हैं, और ब्राउन ब्रेकर उसके बाद टॉप रोप से भी उन्हें बुलडॉग देते हैं, और उसके बाद वो स्टाइनर ब्रेक ब्रेकर देते हैं, और अपने पेट फैशन में अपने डैडी को याद करते हुए वो ब्राउन ब्रेकर जीत जाते हैं एनएक्सटी चैम्पियनशिप। और जो कि बहुत ज़बरदस्त मोमेंट था, ये किड बहुत आगे तक जाएगा ब्राउन ब्रेकर, ये लिखवा के रख लो। इसमें है वो चीज़, ठीक है सब लोग ये कहेंगे कि तमाशु चंपा भी एक आखिरी नेल थी लास्ट, जो वो भी ख़त्म कर दिया एनएक्सटी ने, बट क्या कर सकते हैं, अब नए के लिए पुराने को तो जाना ही पड़ेगा, ये मान सकते हैं। मेरे को भी बहुत फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि आई एम अ बिग फैन ऑफ ऑल एनएक्सटी, बट स्टिल ये वाला एनएक्सटी इतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल सीख रहे हैं। और बट ये तो है कि इस वाले एनएक्सटी में से कोई ना कोई जरूर रेसलवेनिया में मेन इवेंट करेगा, ये लिखवा के रख लो। बाकी ब्राउन ब्रेकर अच्छी शुरुआत है, एनएक्सटी चैम्पियन, बेस्ट ऑफ लक।